सलाम और आदाब। NS मिथिला न्यूज़ में आपकी स्वागत है। हर साल की तरह इस साल भी 2020 में भी सूर्याही गांव में टूर्नामेंट हो रहा है, जिसमें आज मनापट्टी और इनरवा गोट इनरवा का टीम था, जिसमें जीत हासिल हुआ मनापट्टी का टीम। बहुत अच्छे शानदार से खेला है, रोमांटिक देखने को मिलता है, बहुत आदमी तादाद में खड़े हैं देखने के लिए। ये मैदान नहीं, खेतों के मैदान बनाकर अच्छे तरह खेला जा रहा है। देखिए कितने इस टूर्नामेंट का शुरू किया है मोहम्मद इरशाद आलम, हर साल इरशाद आलम किया करते हैं और बहुत अच्छे से खिलाते हैं। देखिए नज़ारा, देखिए खेल का मज़े लीजिए आप लोग भी। मिल सकता था यहाँ पर गोटी नरवा की टीम को। दोनों अंपायर है जकाउल्ला अली एमली जुहेर राइन, जो कि अंपायरिंग कर रहे हैं। दोनों ही जबरदस्त अंपायर यहाँ पर। समीर के गया आ गया है खेल गेंद में, करते हुए गेंद को खेला एक तरफ के साथ मुश्ताक ने गेंद को फिर किया बिना किसी रन के लिए। अभी भी स्कोर 6 ओवर की समाप्ति के बाद 31 रन 4 विकेट के नुकसान पर मानापट्टी। यहाँ पर फंसी हुई नजर आ रही है मानापट्टी की टीम है। क्या ऐसे कौन से बल्लेबाज है जो अपने दम पर इस मुकाबले को जिताने में कामयाब रहेंगे। गेंदबाजों की काबिले तारीफ सराहना करनी पड़ेगी यहाँ पर। सभी गेंदबाज बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन किए यहाँ पर, लेकिन अब बल्लेबाज में दमखमा नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर मात्र 31 के स्कोर पर 4 विकेट गंवा चुकी है मानापट्टी की टीम और 6 ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है। और फिर से गेंदबाजी छोर पर बुलाया गया है शिव को। क्या शिव कुमार अपना स्पेल इतना जल्द खत्म कर देंगे, ये देखने वाली बात। लेकिन गेंदबाजी की जिम्मेदारी हामिद राजा को दिया गया है। क्या हामिद राजा अपने टीम के लिए अच्छी गेंदबाजी कर पाएंगे, यदि एक सवाल सा लग रहा है। बल्लेबाजी से तो काफी दिल जीता हमारे दर्शकों का, चार भगत चूनी छक्के लगाए। क्या गेंदबाजी में आज उनके द्वारा कुछ खास प्रदर्शन किया जाएगा। मैं पहले ही बोल रहा हूँ भाई, उधर की तरफ आप दर्शक में बैठे क्यों, का फसल नुकसान हो रहा है, पूरा मैदान खाली है, आप उधर में बैठे। हमारी कमेटी से आ रहा है कि उन लोगों को साइड कर दिया जाए। ये ऐलान मामला चल रहा है यहाँ पर गोटी नरवा और मानापट्टी की टीम के बीच। अंपायर का इशारा वाइड, फिर ही बरकरार, फिर ही अभी भी बरकरार। क्या फिर इनका फायदा उठा पाएंगे राजेश। हामिद को सूझबूझ के साथ गेंदबाजी करनी पड़ेगी, उनके सभी गेंदबाज काफी अच्छी गेंदबाजी किया। हामिद को भी